सामने आएगी, लेकिन उस डिब्रीफिंग में अभी वक्त लगेगा क्योंकि अभी पहली जो प्रायोरिटी है वो विंग कमांडर अभिनंदन को पूरी तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की है। जी वैसे कृष्णमोहन, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने इच्छा जताई है कि वो जल्द से जल्द अब ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि डिब्रीफिंग अभी तक नहीं हुई है और उसके बाद ये जो फिजिकल टेस्ट जो होते हैं, जो मेडिकल जांच हो रही है, जबकि जब तक उसकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हैं और तब तक तो उनका ड्यूटी पर इस तरीके से ज्वाइन करना वो संभव नहीं होगा, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा। विंग कमांडर अभिनंदन जैसे वीर सैनिक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि वो अपनी ड्यूटी से अलग है, वो फ्लाइंग से अलग है, लेकिन अभी बहुत जल्दी फ्लाइंग में उनका लौट पाना फिलहाल तो मुश्किल है क्योंकि अभी उनको उनके स्वास्थ्य और उसका डीब्रीफिंग के बाद ही वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। हालांकि इस वक्त जबकि सीमाओं पर तनाव है, किसी भी सैनिक के लिए हॉस्पिटल में लेकर उसका इंतजार करना अपनी बारी का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वास्तविकताएं यही है कि अभी उनका स्वास्थ्य